वेलकम टू बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून आदित्य में आपका स्वागत है। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो जरूर देखिए। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको ऐसा स्टॉक जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा। ऐसे दो स्टॉक बताऊंगा मैं आपको जिसका फंडामेंटल और टेक्निकल बहुत अच्छा है, इसकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है और वो अच्छा परफॉर्म करेगा और आगे करता रहेगा और उसने किया है। और आप उसको SIP के माध्यम से बाय करना। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको मैं बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों सजेस्ट किया है और उसमें ऐसा क्या है कि आप उनको लेना पसंद करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिसको मेरे बारे में नहीं मालूम मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आदित्य बंसल है, मेरा बिजनेस है रिटेल स्टोर का। मैं जरोदा का मार्केटिंग पार्टनर हूँ और जरोदा का बिजनेस पार्टनर भी हूँ और फॉर्मर फाइनेंशियल एडवाइज़र इन IIFL, फाइनेंशियल एडवाइज़र IIFL का हूँ। दोस्तों जिस किसी ने भी जरोदा में अकाउंट ओपन नहीं कराया है वो ज़रूर करा रहे, क्योंकि जरोदा बहुत अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, तभी आप शेयर मार्केट में मेरे द्वारा बताए गए तरीक़ों से ट्रेडिंग कर पाओगे और मुनाफा अच्छा कमा पाओगे। दोस्तों व्हाट्सअप नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, वेबसाइट पे आप यहाँ जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं बताऊँगा आपको, आप अगर जरोदा में अकाउंट मेरे द्वारा ओपन कराते हैं तो आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता हूँ। अगर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाके अकाउंट ओपन कराते हैं तो जरोदा वाले ये कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, उनकी पॉलिसी है ना ये कोई टिप्स बताते ना आपके कुछ अदर हेल्प फाइनेंशियल हेल्प करते। मैं आपको 5 फ़ायदे दूंगा अगर आप मेरे द्वारा अकाउंट ओपन कराते हैं। दोस्तों पहला फ़ायदा है स्टॉक कैसे चुनें, स्टॉक कैसे ख़रीदें, कब बेचें। स्टॉक को चुनने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा स्टॉक का चयन किस आधार पर करें और कब क्या करें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा फ़ायदा, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा जिसमें आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन, पेनी स्टॉक और भी कई स्टॉक और भी कई बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। और तीसरा फ़ायदा, आप मेरे पेड वीडियो जो यूट्यूब पर मैं डालूँगा उनको फ्री में देख सकते हैं। चौथा फ़ायदा, जरोदा में अकाउंट ओपन तो कर लेंगे, बस मैं कैसे काम करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है उसके, कैसे मोबाइल पर ट्रेडिंग होती है, कैसे लैपटॉप पर ट्रेडिंग होती है, आपको उसमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, कैसे ख़रीदना है, कैसे सौदे डालना है, आपको सारी जानकारी मैं बताऊँगा। आपको मेरा एक व्हाट्सअप नंबर अल्टरनेटिव नंबर, अपना खुद का पर्सनल नंबर दे दूँगा जिससे आप कॉल करके कभी मुझे कॉल कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। पांचवा फ़ायदा, आपको दोस्तों आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग जिसमें आपको दिक्कत आ रही है मैं उसमें मदद करूंगा, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूं, एडवाइज़र हूं, मैं आपको सारी एडवाइस दूंगा। इसको आप अगर आप जरोदा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप नीचे मेरी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है और आप उतर जाइए और फिर आप क्लिक कीजिए, वहाँ से साइनअप करिए और उधर से ब्रोकर आपको उधर कॉल कर देगा या उसमें कॉल भी बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसमें क्लिक करके सारी जानकारी भर दीजिए, नहीं तो उधर ब्रोकर के पास आपका डाटा पहुंच जाएगा तो उधर से वो कॉल करके आपसे कॉन्टेक्ट करके आपका खाता ओपन करा लेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है और आप उनको बारीकियाँ उनकी सीखनी है, आप चाहते हैं उनको खुद इन्वेस्ट करना सीखें, तो मैं आपको दो या तीन बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको आप वहाँ पर जाके उस वेबसाइट पर जाके ख़रीद सकते हैं। बहुत सस्ती बुक हैं और उनको आप ख़रीद के बहुत अच्छा मुनाफा और ख़ुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आप सब कुछ सीख सकते हैं। उनमें बुक हैं शेयर मार्केट में कैसे बुक करें ट्रेड, और थिंक एंड ग्रो रिच की हिंदी की बुक है, और भी
एक बुक और है, आप उसको नीचे ज़रूर देखिए। और किसी को न्यू मोबाइल लेना है तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ले लेना। ये मैं आपको स्टॉक बताऊँगा, ऐसे दो शेयर जो आपको मुनाफा अच्छा कमाएंगे और आप चूकना नहीं चाहिए। ये मेरे द्वारा ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाने के 5 फ़ायदे बताए गए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप मेरे द्वारा अकाउंट अगर ओपन कराते हैं नीचे दी हुई लिंक पर जाकर, तो आपको ये सब फ़ायदे मिलेंगे। आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर किसी ने मेरे पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें देखिए, मैंने बताया है ज़ेरोधा में अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, सॉरी स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड भी बताए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और पिछले मेरे वीडियो में मैंने आपको कुछ स्टॉक भी बताए हैं जो आपको बहुत अच्छे बढ़ चुके हैं और उनको आप SIP बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं, मेरे स्टॉक की देखते हैं, दे पर आते हैं, अपना स्टॉक बताता हूँ मैं आपको। चलते हैं अपन स्टॉक एज की तरफ। पहला स्टॉक है अपना हेक्साबेट टेक्नोलॉजी, ये खुल रहा है। यह है दोस्तों हेक्साबेट टेक्नोलॉजी, 278 रुपये का ये स्टॉक चल रहा है। इसका लगातार इसका ग्राफ देखते हैं 1 साल का, तो ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी डिलीवरी देखते हैं, डिलीवरी अच्छी खासी हो रही है इसकी। इसका टेक्निकल चलते हैं, इसका परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों। 5 साल में 103% तक बढ़ा हुआ है ये, 3 साल में 56% रिटर्न दिया है इसने, 1 साल में 38%, 2017-18 में 34% रिटर्न दिया है। इसका लेवल देखते हैं, डे हाई ये चलता रहता है, 52 वीक देखते हैं इसका। बावन वीक इसका 281, 52 वीक हाई है और 170 इसका लो है। आगे इसका इंडिकेटर देखते हैं दोस्तों। इसके इंडिकेटर में RSI नेगेटिव उतारा है और मनी फ्लो न्यूट्रल है, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। फंडामेंटल देखते हैं अपन ओवरव्यू में दोस्तों। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, IT सॉफ्टवेयर की कंपनी है। मार्केट कैप 8,244 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर 15.81 है। प्राइस अर्निंग रेटियो PE इसका 17.57 है। बुक वैल्यू इसका 60.61 है। डिविडेंड यील्ड 1.98 की है, फेस वैल्यू 2 है। इसका रिजल्ट देखते हैं अपन दोस्तों। इसके रिजल्ट क्वार्टरली देखते हैं, अगर रिजल्ट में क्या अच्छा दिखता है इसको, तो देखिए दोस्तों इसकी नेट सेल्स बढ़ी है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसकी नेट सेल्स बढ़ती है, क्योंकि जिसके सेल्स ज़्यादा होंगे, जिसके कस्टमर ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट भले ही कम कमाए लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ अगर जिस कंपनी की होगी, वो कंपनी का शेयर कंसिस्टेंट बढ़ता है। तो आप देखिए इसमें 6/2016 से 869 से बढ़कर 983 तक हो चुकी है, 6/2017 तक, 1 साल में मतलब 120 करोड़ का बढ़ चुकी है। इसका एक्सपेंडिचर देखते हैं, वो भी बढ़ा हुआ है, 823 करोड़ का हो चुका है। एबिटा इसका घट रहा है, अदर इनकम बढ़ रही है, इंटरेस्ट नीचे है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं इसका, वो भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा इसका ग्रोथ पॉजिटिव चल रहा है। इसका फाइनेंशियल देखते हैं अपन, इसकी बैलेंस शीट में देखिए आप, 12/2015 से 12/2016 तक बढ़त हुई है 2300 करोड़ रुपए की। 1994 से 2300 करोड़ तक हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं इसका, प्रमोटर्स के पास दिख नहीं रहा है कितने, 71% स्टॉक है,
अच्छा बात है। और पब्लिक के पास इसके कुछ शेयर प्लेस्ड भी हैं, लेकिन सब चलता है, फिर भी ये कंपनी बहुत अच्छा मुनाफा और बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही है। 170-180 तक तो पहले मैंने ही देखा था इसको, लेकिन धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है ये। आज ये 270 275 तक पहुंच चुकी है। इसका ऑप्शन चैन ये मतलब कि नहीं है, स्कैंस इसके डील्स देखते हैं इसमें क्या बल्क डील हुई है। अभी इसमें प्रेजेंट में कोई बल्क बोल्ड ब्लॉक डील नहीं हुई, इसके अपडेट देखते हैं इसकी न्यूज में क्या है। हेजेवेट टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड इट्स फोकस ऑन ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक एंड यूरोप विद ए व्यू ऑफ चेंज। मतलब कुल मिला के अपनी ग्रोथ पर ध्यान रही है। देखो इसकी रेवेन्यू भी, रेवेन्यू गाइडलाइंस 14-15% बढ़ा हुआ है इसका, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है इसके न्यूज में दिख रहा है। अनाउंसमेंट में देखते हैं, अनाउंसमेंट में चलते हैं, प्रेस रिलीज चलती रहती है, अपडेट भी चलते रहते हैं। कॉर प्रोडक्शन में देखते हैं क्या डिविडेंड दे रही है। हाँ जी डिविडेंड दे रही है, अभी 10 अगस्त को इसने डिविडेंड दिया था 1 रुपये शेयर का। इसके फीड्स में देखते हैं क्या इसकी न्यूज आ रही है, न्यूज वाले क्या कहते हैं, चैनल वाले क्या कहते हैं। तो देखिए आप सब बाई की रेटिंग दे रहे हैं, 16 अगस्त को भी बाई की रेटिंग, इसका टारगेट 285 दिया हुआ है इनने, और 14 अगस्त को भी 275 दिया हुआ है, 275 उसका टारगेट दिया हुआ है। देखिए आप सब कुछ इसका टारगेट मिला के पॉजिटिव ही है। दोस्तों ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर लीजिए। और इसको लेना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। आप हर मंथ 1 रुपये फिक्स कीजिए, 1,000 या 500, 2,000, 5,000, जो भी आपको लगाना है आप उसी के हिसाब से हर महीने 2,000 लगाना है तो 2,000 रुपये के स्टॉक हर महीने लेते जाइए। हर महीने की तारीख निश्चित कीजिए, जितनी तारीख को जो भी भाव चले आप लेते रहिए, जिससे आपके पोर्टफोलियो में शेयर अच्छे रहेंगे और आपको शेयर का भाव कभी कभी 275 ले लिया, 280 ले लिया, 250 पे भी आ गया तो भी ले लिया, तो आपका पूरा बैलेंस बराबर रहेगा। दूसरा स्टॉक बताता हूँ मैं आपको, दूसरा स्टॉक है मेरा बर्जर पेंट, BER, बर्जर पेंट इंडिया। अब दीपावली आने वाली है, पेंट इंडस्ट्री भी अच्छा मुनाफा करेगी, इसकी वॉल्यूम इसकी सेल्स बढ़ती है। देखते हैं इसका 1 साल का ग्राफ, देखिए आप दोस्तों 1 साल पहले उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, इसने 1 साल में ही बहुत अच्छा ग्राफ दिया हुआ है। इसकी डिलीवरी देखते हैं, डिलीवरी भी ठीक है। अब इसके टेक्निकल देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए इसे दोस्तों 5 साल में 423%, बताओ 450% 5 साल में बढ़ गया, 3 साल में 111, 2 साल में 69, बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा है ये शेयर, और बहुत अच्छी ग्रोथ है। 264.45 रुपये चल रहा है। इसके लेवल देखते हैं, प्राइस लेवल 52 वीक्स देखते हैं क्या क्या है इसके। 52 वीक 276 है, 177 52 वीक लो है। इंडिकेटर्स देखते हैं इसके क्या बता रहे हैं, नेट न्यूट्रल के ओवरबॉट, देखो सब नोट न्यूट्रल बता रहे हैं, RSI भी न्यूट्रल है और रेट ऑफ चेंज भी पॉजिटिव बता रहा है इसका, तो अच्छा साइन है इसका। टेक्निकल भी अच्छा बता रहे हैं दोस्तों। ये सेक्टर केमिकल का है और एशियन पेंट्स बनाती है ये, इसका बहुत अच्छा पेंट्स चल रहा है, हर घर में इसको पेंट्स मिलेगा आपको। मार्केट कैप 25,716 करोड़ है, अर्निंग पर शेयर 4.88, अर्निंग PE इसका 54.29 है, बढ़िया है। बुक वैल्यू 19.57 है, फेस वैल्यू बन की कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। देखिए आप दोस्तों मैंने इस शेयर को क्यों सुना है, क्योंकि इसकी
चुनने से पीछे मकसद सा कि इसका रेवेन्यू बड़ा है, सॉरी नेट सेल्स बड़ी है। देखिए आप 1236 करोड़ हो चुकी है 1143 से, 3/2016 से 3/2017 तक कुल मिला के बढ़ी है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस साल बढ़ी है, इस क्वार्टर बढ़ी है। एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है इसका, एबिटा इसका कम हुआ है जो अच्छा साइन है, इंटरेस्ट भी कम हुआ है इस पर, और इसका नेट प्रॉफिट से कोई टेंशन नहीं। कुल मिला के और भी चीज़ें अच्छी होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस तो चलते रहते हैं। फाइनेंशियल देखते हैं दोस्तों, 2876 करोड़ से 3439 करोड़ पे पहुंच गई कंपनी। शेयर होल्डिंग देखते हैं इसका, प्रमोटर 74.99 प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है इसकी। डिपॉजिटरी ने कोई स्टॉक प्लेज नहीं करे इसके, और शेयर होल्डर कौन है यार, शेयर होल्डर भी देखते हैं। शेयर होल्डर्स पब्लिक नंद लाला, क्या है नलंदा इंडिया फंड्स, ये कोई फंड्स होगा। ये कहाँ पहुँच गए अपन, शेयर होल्डिंग के बाद अपडेट पर देखते हैं इसकी न्यूज। नेट प्रॉफिट बताया जो मैंने पहले, इसकी न्यूज में यही बता रहा है। बर्जन पेंट हैज अप्रूव्ड परचेस 10.3 मिलियन इक्विटी शेयर्स ऑफ साबू हिस्से वर्ल्ड कोटिंग। न्यूज भी अच्छी अच्छी है इसकी, अनाउंसमेंट देखते हैं, अनाउंसमेंट भी चलता रहता है। एक्शन देखते हैं, ये क्या कोई डिविडेंड देती भी है? हाँ देती है, लगातार डिविडेंड दे रही है दोस्तों। 1.75 पर शेयर है। सॉरी फीड्स देखते हैं, फीड्स में न्यूज वगैरह इसकी क्या क्या दिख रहे हैं, न्यूज में कितना क्या मनी कंट्रोल बारे, और भी इकोनॉमिक्स टाइम्स वालों ने इनका 275 टारगेट दिया हुआ है। देखें जब 275 पहुंचेगा तो बढ़ेगा ये, तो 285 इन्होंने दिया है 6 सितंबर को। कुल मिला के दोस्तों ये बहुत अच्छी कंपनी है। जिसको ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवाना है वो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर आप साइनअप कर देना। और दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो उसकी बुक हैं 2-3 जो बहुत अच्छी बुक हैं, मैंने भी पढ़ी हुई हैं, उनके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उनको ज़रूर ख़रीदेगा। क्योंकि उन बुक को पढ़ के, एक तो मैंने आपको बताया 3 बुक बताऊंगा मैं आपको, नीचे आप देख लेना, उनको पढ़ के आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाओगे और आप बहुत अच्छे निर्णय कर की क्षमता लेना सीख जाओगे। आप समझ जाओगे कैसे क्या इसमें कैसे ख़रीदते हैं, इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है नीचे, मैं लिंक दे दूंगा, आप उनको ज़रूर खरीदेगा, बहुत अच्छी बुक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका नुकसान कुछ नहीं है इसमें, आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। मैं आपको नए नए वीडियो लाता रहूँगा, और अगला वीडियो मैं बताऊँगा दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो उनके लिए कौन सा म्यूचुअल फ़ंड बेस्ट रहेगा, FD से अच्छा रिटर्न वो देगा, और इसमें रिस्क बहुत ज़ीरो हो जाएगी। बहुत अच्छा फंड है, आप उसको 3 महीने से 2 साल के लिए अगर आप पैसा डालना चाहते हैं FD में, तो उस FD और बैंक की जगह उस फंड में पैसा डालिए, तो बहुत FD से ज़्यादा रिटर्न भी देगा और आपका टैक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको वो म्यूचुअल फ़ंड।